राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू की जाए, इस मांग को लेकर राज्य कर्मचारी तथा उनके संगठन के कर्मचारी हड़ताल पर जा चुके हैं, जिससे कार्यालयीन कामकाज प्रभावित हो गया है। अभिभावकों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर यह आंदोलन ऐसे ही आगे चलता रहा तो जन सामान्यों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस आंदोलन का असर सावनेर शहर के वरिष्ठ स्तर तथा कनिष्ठ स्तर न्यायालय के साथ ही उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, नगर पालिका, पंचायत समिति, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, भालेराव हाई स्कूल आदि स्थानों पर सुबह 10 बजे से एक ही मिशन पुरानी पेंशन का नारा देते हुए अपने अपने कार्यालयों के प्रांगण में राज्य सरकार कर्मचारी राज्यव्यापी आंदोलन में शामिल हुए तो न्यायालय, स्वास्थ्य जैसे अनेक कार्यालयों में लक्ष्मणिक आंदोलन कर काले फीते लगाकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त कर कुछ कर्मचारी अपनी सेवाएं भी देते दिखाई दिए। कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन कर इस राज्यव्यापी आंदोलन को समर्थन देते हुए और उसमें शामिल होते हुए अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार अपने अड़ियल रवैये से टस से मस होती नहीं दिखाई पड़ रही है। कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन मांग सरकार से की है, जिससे पुरानी पेंशन लागू करे, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद के दिनों में उन्हें सहारा मिल सके। इसलिए पेंशन को सरकार ने तुरंत लागू कर कर्मचारियों के भविष्य का विचार करना जरूरी है। मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन लागू की गई है, मगर महाराष्ट्र सरकार राज्य कर्मचारियों के पेंशन देने में आनाकानी कर रहा है, जिससे राज्य के कर्मचारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पेंशन के मामले में राज्य सरकार उदासीनता दिखा रही है। बार बार राज्य कर्मचारियों ने राज्य सरकार को इस बारे में अवगत कराया। राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने के लिए मोर्चा आंदोलन भी किए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार इस ओर ध्यान देने से आज आखिरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों ने राज्यव्यापी आंदोलन में शामिल होकर पूरी तरह से काम बंद आंदोलन किया है। इस तरह से दबाव बनाकर पेंशन लागू करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारी की ओर से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में अगर इसी तरह आंदोलन की परिस्थिति बनी रही तो स्थानीय स्तर पर होने वाले कामकाज पर बुरा असर दिखाई देगा। इस तरह की परिस्थिति पहले दिन दिखाई दे रही है। राज्य सरकार से राज्य कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन लागू हो इसलिए आज से तीव्र आंदोलन का कदम उठा चुकी है। अगर इसी तरह हड़ताल शुरू रही तो अनेकों योजना के कामकाज पूरी तरह से बंद पड़ने के आसार हड़ताल के पहले दिन से ही दिखाई देने लगे हैं। शासन ने मानना नहीं मानना ये उनका है, जो भी होना है। हम अभी हमारा जो इथिक लगा रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं पेंशन चालू करने की, वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना होगा तो इसी और सम चलते रहेगा। यह अनिश्चितकालीन संप है इसमें, और इसमें और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसा रिक्त पदे भरना है। हम सब इस जगह पे आज इकट्ठा हुए इसलिए कि जूनी पेंशन के बारे में, 2005 में जूनी पेंशन बंद कर दी थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, वही चालू करने के लिए, और जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी पद भर्ती नहीं हो रही है वो पूरी फुलफिल करने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। शासन नेहमीच जेव्हा कर्मचारी आपल्या हक्कांच्या बाबतीत बोलण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा शासन नेहमीच कर्मचाऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असतो, पण ही जी मागणी आहे ती अगदी रास्त आहे की 2005 नंतर ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झालेली आहे त्यांना पेन्शन योजना ही लागू व्हायला पाहिजे, हा त्यांचा हक्क आहे व या हक्कासाठी आम्ही आमचा आवाज उचललेला आहे, जो आम्हाला वाटत नाही की निराधार आहे, योग्य आहे आमची मागणी। पेन्शन एक बुढ़ापे की लाठी होती है और बुढ़ापे में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता, बच्चे जवाबदारी लेंगे इसकी गारंटी नहीं होती, थका हुआ शरीर है। जब 33 साल हम लोग सर्विस करेंगे और उसके बाद हमारे पेंशन के स्वरूप में NPS एक धोखा किया जा रहा है। NPS एक ऐसा है कि जो एक सट्टा बाजार है, कल डूब जाए तो हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं आने वाला। 33 साल हम अपना खून जलाएंगे और उसके बाद पाएंगे क्या? गवर्नमेंट जो है आप लोग देखेंगे कि 5 साल के लिए आमदार चुन के जाता है, एक बार आमदार बना, खासदार बना, दो दो चार चार पाँच पाँच पेंशन उठाता है। कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके कॉलेजियम होते हैं, उन लोगों को यहाँ पे मिल जाता है, तो हमारे बारे में कोई कुछ सोचता नहीं। हम 33 साल जब नौकरी करेंगे और उसके बाद रिटायर होंगे तो हमें NPS में 500 रुपये, किसी को 1000 रुपये, जो भी NPS से रिटायर हुए ऐसी पेंशन मिली है। उस दौरान हमारे शरीर में शक्ति नहीं होंगी तो हम लोग क्या करेंगे? और आप लोग आज की पीढ़ी देख रहे हो कैसे है? हम जो बच्चों को समाज बनाते हैं, समाज के
प्रतिनिधि तैयार करते हैं और उन लोगों की ये अवस्था है, तो हम लोग शासन से विनती करते हैं कि उन लोगों ने हमारे प्रति पेंशन का आधार हमें दे। हाँ, ये आंदोलन ऐसे ही चलते रहेगा क्योंकि सबको संविधान ने बताया है कि सबको जो हक है वो समान हक मिलना चाहिए। अपन अपने संविधान के अनुसार सभी राज्यों में, अभी अभी कुछ राज्यों में पेंशन योजना चालू की गई है। हमारे महाराष्ट्र शासन से ये निवेदन है कि हमारा हक जो है वो हमको मिलना ही चाहिए, और वो जब तक नहीं मिलता है तब तक हम ये आंदोलन हमारा स्थगित नहीं करेंगे, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। NBCN न्यूज़ के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की ग्राउंड रिपोर्ट।